मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट सेकुलरिज्म एंड व्हाई इज स्टेट सेपरेट फ्रॉम रिलीजियन। हमारी जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने सेकुलरिज्म को डिस्क्राइब किया और कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए कि वहाँ कैसे सेकुलरिज्म जो था किस तरह से उनका वॉयलेशन हो रहा था। जैसे हिटलर ने कैसे जूज जो थे उनके साथ बिहेव किया था, ठीक है, जूज को मार दिया गया था। और जो जेविस स्टेट थे वो अपने ही स्टेट के मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को अनलाइक करते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस करते थे, ठीक है। सऊदी अरबिया जो कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। अगर वहाँ हिंदू है या क्रिश्चियंस हैं तो वो अपने रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, टेंपल या फिर जो ये चर्च है वो नहीं बना सकते। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे जहाँ रिलीजियस को किस तरह से हनन किया जा रहा है। उसके बाद हमने बात की थी इंडिया की, कि इंडिया जो है वहाँ हमने स्टेट को और रिलीजियन को डिफरेंट क्यों रखा, कि स्टेट जो है वो रिलीजियन मैटर पे इंटरफेयर क्यों नहीं करता। क्योंकि स्टेट में आप देखना, किसी न किसी स्टेट में ऐसा होगा कि वहाँ किसी न किसी ग्रुप की मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी होगी तो वो उसी मेजोरिटी से वो रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएंगे। तो वो रिप्रेजेंटेटिव ही अगर मिनोरिटी ग्रुप के अगेंस्ट में होंगे तो उनके राइट्स जो है वो उनको नहीं मिलेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसका एक एग्जाम्पल बताया था अनटचेबिलिटी। मान लीजिए जो अनटचेबिलिटी थी हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में थी, ठीक है। अनटचेबिलिटी बहुत पहले, इवन बहुत पहले की भी नहीं बात करें तो 18th सेंचुरी में भी अनटचेबिलिटी बहुत प्रैक्टिस में थी, ठीक है। तो जहाँ पर 80% हिंदूज हैं, ठीक है, हिंदूज को भी कैटेगरीज में हिंदूज हैं, और मतलब सोसाइटी जो हमारी थी ब्राह्मण क्षेत्रीय और शूद्र में और वैश्य में डिवाइड थी। तो जहाँ पे 80% ब्राह्मिन्स हैं और 10 और 20% अगर वहाँ शूद्र है तो ब्राह्मिन्स उन पर डोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ब्राह्मिन में से ही निकल के आएगा। तो वही जब अनटचेबिलिटी को फेवर करेगा तो अनटचेबिलिटी को रिमूव नहीं किया जा सकता। ये हमने एग्जाम्पल देखा था कि इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि स्टेट को रिलीजियस से अलग क्यों किया गया है, ठीक है। स्टेट की पावर रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। ये हमने अनटचेबिलिटी के एग्जाम्पल से देखा था, क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन का, किसी न किसी वर्ग का डोमिनेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव अगर उसी सेक्शन से आ जाए तो फिर क्या होगा, वही जो है वो उनके फेवर में नहीं होगा, मिनोरिटी ग्रुप के फेवर में नहीं होगा, तो डेवलपमेंट कौन करेगा, ठीक है। कुछ स्टोरी बोर्ड भी हमने कल डिस्कस किए थे जिससे हमारे ये प्रूव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, गवर्नमेंट जो है वो सारे रिलीजियंस का रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों के कहने पे भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं मनाया गया, ठीक है। बच्चों ने टीचर के सामने डिमांड की कि कमिंग टाइम में जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल्स आ रहा है, क्यों ना वो फेस्टिवल हम स्कूल में सेलिब्रेट करें, ठीक है। स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद भी उस फेस्टिवल को स्कूल में नहीं मनाया गया। उसके लिए स्कूल जो है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो हॉलीडेज रखती है, आप अपने घर में उसको सेलिब्रेशन करो, लेकिन स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी भी रिलीजियस के जो फेस्टिवल्स हैं उनको पर्टिकुलर सेलिब्रेट नहीं कर सकती। या तो वो सारे जो फेस्टिवल्स हैं सबको सेलिब्रेट करें, जो बहुत सारे स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो ये ग्रुप ऑफ भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, तब वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का कोई क्वेश्चंस अराइज नहीं होता, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, सब कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। या कोई स्कूल ऐसा हो जो दिवाली तो सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहा, ईद को स्कूल रनिंग में होती है, तो हम कह सकते हैं वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और गवर्नमेंट जो स्कूल है
और प्राइवेट स्कूल्स भी फेस्टिवल्स के लिए हॉलीडेज रखते हैं, तो फेस्टिवल्स आप स्कूल के बाहर सेलिब्रेट करो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है, लॉज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेकुलरिज्म को पूरी तरह से फॉलो किया है, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल जो स्टोरी बोर्ड हमने देखा था कि दिल्ली का एग्जाम्पल था, जो सिख पीपल था ही वियर द पगड़ी। दिल्ली में क्या है, हेलमेट पहना, जो टू व्हीलर्स हैं उनको राइड करने वाला पर्सन को हेलमेट पहनना बहुत कंपल्सरी है। हेलमेट इज वेरी कंपल्सरी, अदरवाइज उसको फाइन, उस पर फाइन होता है, उसको फाइन देना होता है। तो वहाँ भी जो सिख हैं उनको पगड़ी अलाउड की गई है गवर्नमेंट ने। नॉट ओनली इन दिल्ली, इन ऑल ओवर इंडिया सिख जो पीपल है हेलमेट की जगह पगड़ी पहन सकते हैं, मतलब उनके रिलीज, क्योंकि उनके रिलीजन में पगड़ी पहनना क्या है, जरूरी है। ठीक है, पगड़ी को वो मानते हैं कि सिख जो होगा, रियल जो सिख होता है उसका एक सेक्शन ऐसा होता है जो पगड़ी पहनता ही है। ठीक है, तो वो पगड़ी को उतार के हेलमेट नहीं पहन सकता, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पगड़ी की परमिशन भी दी है, मतलब उनके धर्म की भी का भी रिस्पेक्ट किया है। ऐसे नहीं कि उन पे स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज किए कि आपको पगड़ी उतार के हेलमेट पहनना ही होगा। तो ये एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेकुलरिज्म फिक्चर्स रखा है उसको पूरी तरह वो फॉलो भी कर रहा है। ये डिस्कशन तो हमने कल किया, आज हमारा टॉपिक क्या है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तो क्या होगा कि स्टेट जो है किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पहले तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हिंदूज जो है, देखो स्टेट कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर भी करता है। ठीक है, पहले एक टॉपिक देखा था हमने कि स्टेट जो है, लेकिन कहाँ इंटरफेयर करता है ये देखना कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसका एक रीजन हमने विद एग्जाम्पल देखा है और वो सही भी है, लेकिन स्टेट कहाँ इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, हिंदूज जो है, हिंदूज में दो पार्ट्स डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट है ब्राह्मिन्स का और एक पार्ट है दलित का। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में मैंने बताया था कि अपनी सोसाइटी जो थी फोर पार्ट्स में डिवाइड थी, तो ब्राह्मिन्स, एक हिंदू जो है, दलित भी हिंदू है, ब्राह्मिन भी हिंदू है, ब्राह्मिन जो है वो अपनी ही कम्युनिटी का, अपने ही सेक्शन के लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, वहां क्या है, अनटचेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, ब्राह्मिन्स बिल्कुल इक्वल ही नहीं समझ रहे हैं शुद्राज को, शुद्राज जो है उनकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ब्राह्मिन्स उन पे डोमिनेंट है। ठीक है, दे आर नॉट सिटिंग टुगेदरली, दे आर नॉट टेकिंग वाटर फ्रॉम वन वेल, एक कुएं से पानी नहीं लेते, एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, इवन दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। ऐसा होने के कारण जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनके अकॉर्डिंग जो है स्टेट जो है इंटरफेयर करता है मामलों में, अगर उस टाइम पे शूद्र का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। ठीक है, ब्राह्मीण उस पे डोमिनेंट है, उसको एक्सप्लोइट कर रहा है, उसके साथ इक्वलिटी का बिहेव नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है स्टेट जो है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है। किस मामले में, रिलीजियस मैटर में। एक प्रैक्टिस की, पहले हमारे यहाँ सती प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में थी। ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था सती प्रथा को बैन किया गया था। तो सती प्रथा क्या था, रिलीजियस मैटर था, अपने रिलीजियन से रिलेटेड था, और इंडियंस उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इंडियंस जैसे किसी फेस्टिवल में बिलीव करना कि हमारा ये बहुत, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं ना, हम उन रिचुअल्स को फॉलो करते ही करते हैं, तो एक वो भी हमारी एक रिचुअल ही थी, मतलब हिंदूज के लिए वो रिचुअल ही थी सती सिस्टम। तो सती सिस्टम के अगेंस्ट में जाना, तो इस तरह का जो रिचुअल्स है, इस तरह की जो गलत जो इविल्स हैं, ऐसे में स्टेट इंटरफेयर करता है, तब स्टेट उन पर लॉज बनाता है। ठीक है, स्टेट कब इंटरफेयर कर रहा है कि कोई जो इविल्स जो है, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस सोसाइटी में हो रही है। ठीक है, जहाँ इक्वलिटी का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, इक्वलिटी नहीं हो रही है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में की जा रही है, या पहले सती सिस्टम जो किया जाता था। ठीक है, इस तरह के जो मैटर है वहाँ हमारा स्टेट जो है इंटरफेयर करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बैन किया हुआ है।
अनटचेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल बैन किया हुआ है, उसके बाद भी अगर वो प्रैक्टिस में आती है तब स्टेट इंटरफेयर करता ही करता है, तब स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अगेंस्ट में लॉज बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अगेंस्ट में जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, बैड विल्स जो हैं उनके अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने लॉज रिलीजन पे स्टार्ट करता है या लगाता है, ठीक है। लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस, जैसे इक्वल इनहेरिटेंस का मामला होता है, फादर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके चिल्ड्रंस में बराबर मिलते बराबर बटनी चाहिए, डॉटर को भी या सन्स को भी, या इक्वल इनहेरिटेंस का मतलब इक्वल राइट्स में भी, अगर वहाँ अगर रॉन्ग प्रैक्टिस की जा रही है, गलत हो रहा है, तो ऐसे में भी स्टेट जो है वो इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो अलग थिंग्स है। इंटरफेयर कहाँ हो रहा है स्टेट का, कहाँ स्टेट जो है वो मतलब अपने लॉज जो है वो पीपल्स पे इम्पोज कर रहा है, थोप रहा है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है पीपल्स पे लागू हो रहे हैं रिलीजियस मैटर पे, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्क टू प्रिवेंट सेकुलरिज्म, स्टेट जो है वो एक प्रिवेंशन का काम भी करता है, एक बचाने का काम भी कर रहा है, एक दलित सेक्शन जो है उसको सेफ भी तो कर रहा है, ठीक है। और फॉर्म ऑफ सपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट जो है एज ए सपोर्टर भी वर्क करता है, कैसे करता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट जो है किसी भी रिलीजियंस को अपने ओन स्कूल्स, अपने ओन मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने ओन इंस्टीट्यूशंस एंड अपने ओन जो है जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको ओपन करने की परमिशन देता है। लेकिन जैसे इस्लामिक जो धर्म है, इस्लाम जो है वो अपनी खुद की स्कूल जो है ओपन कर सकता है, वहाँ स्टेट उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, परमिशन देता है, ठीक है। जैनिज्म अगर जो है रिलीजियन है वो अपनी सेपरेट स्कूल खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, हिंदू जो है वो अपनी सेपरेट स्कूल खोलना चाहे, वो गवर्नमेंट नहीं खोलेगी, उसमें क्या है स्टेट जो है पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो अपनी पर्टिकुलर अपनी कम्युनिटी के लिए अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी स्कूल्स है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है ओपन करना चाहे, कॉलेज ओपन करना चाहे तो कर सकती है। तो इसका मतलब स्टेट जो है सपोर्टर भी है, ठीक है, मतलब स्टेट हेल्पर भी है, सहायता भी करता है, सहायता के रूप में इंटरफेयर करता है। देखो स्टेट जो है जहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वहाँ इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन एज ए हेल्पर हेल्प करने के रूप में स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर करता है, ठीक है। अगर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा तो दलित सेक्शन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, दलित सेक्शन के पास हिंदू हिंदू को ही डोमिनेट कर रहा है, एक कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ एक्सप्लोइटेशन कर रही है, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ गलत कर रही है, ठीक है, तो ऐसे में तो प्रोटेक्टर का काम स्टेट करेगा ही, ठीक है। सेकेंड थिंग है, इन व्हाट वे द इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, कि इंडियन जो सेकुलरिज्म है इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, इन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनसे डिफरेंट कैसे है, ठीक है। हमारा सेकुलरिज्म, हमारा जो सिस्टम है सेकुलरिज्म से रिलेटेड वो दूसरे कंट्री से, वैसे तो इंडियन सिमिलर सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो लॉज हैं वो लगभग सेम है, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म जो है अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ से थोड़े डिफरेंट है। जैसे वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, यूएसए का एक एग्जाम्पल देखें तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर टू मेकिंग लॉज, यूएसए का जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट रिलीजन से रिलेटेड जो भी मैटर है उन पे लॉज बिल्कुल नहीं बनाता है। हमने कम से कम एज ए हेल्पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एज ए हेल्पर लॉज तो बनाए हैं, लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वहाँ जो लेजिस्लेचर है वो रिलीजियस मैटर पे किसी भी तरह के लॉज नहीं बनाती है, बिल्कुल वहाँ का रिलीजियस स्ट्रिक्टली सेपरेट है। हमारे यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है,
वहां क्या है, स्ट्रिक्टली सेपरेट है, ठीक है। यूएसए मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस और द प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस, ठीक है, बिल्कुल प्रोहिबिट है फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस। अपने मैटर पे फ्री एक्सरसाइज करेगा रिलीजियन जो है उसको, मैटर को बिल्कुल फ्री रखा गया, जैसे हमने जुडिशरी को बिल्कुल फ्री रखा है ना, वैसे यूएसए ने क्या किया, रिलीजियस मैटर को बिल्कुल फ्री रखा है, वो फ्री एक्सरसाइज कर सकता है, फ्री वर्क कर सकता है। लेजिस्लेचर का बिल्कुल भी रिलीजियन मैटर पे इंटरफेयर नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कहीं ना कहीं क्या होता है, एज ए हेल्पर ही मान ले, एज ए प्रोटेक्टर ही मान ले, कहीं ना कहीं स्टेट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिलीजियन मैटर पे लॉज बनाता ही है, उनमें इंटरफेयर करता ही है, ठीक है। नॉर दैट इज द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एट द ऑफिशियल रिलीजन। और वो तो इंडिया में भी है कि जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करता, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल ट्रीट किए जाते हैं इन यूएसए एज वेल एज एंड इन इंडिया ऑल्सो। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू, ना ही वो किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इंडिया में भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस, ये क्या कुछ सिमिलरिटीज भी है, ठीक है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन नॉर प्रेफरेंस टू वन रिलीजन इन यूएसए, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स द नीदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर। मतलब यूएसए में क्या है, जो ना तो स्टेट रिलीजन मैटर में इंटरफेयर करेगा, ना स्टेट रिलीजन स्टेट मैटर में इंटरफेयर करेगा। मतलब दोनों ही, स्टेट एंड रिलीजन दोनों बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है, स्ट्रिक्टली सेपरेट है, दोनों ही एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वन अनदर, मतलब दोनों ही एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो स्ट्रिक्टली वहां फॉलो किया जाता है, ठीक है। देर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म एंड द प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब ये जो चीज है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो किया जाता है, इंडिया में ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता। दिस इज बिकॉज अनलाइक स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द अमेरिकन सेकुलर, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजन अफेयर्स। इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरफेयर जो है वो रिलीजन मैटर में हो ही जाता है, ठीक है। हमने अनटचेबिलिटी का मैटर देखा था, ठीक है। अनटचेबिलिटी के मैटर में क्या था, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेयर जो है वो रिलीजन मैटर पे आई जा रहा है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को हमने क्या किया था, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, ठीक है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, उसके अगेंस्ट में लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने अनटचेबिलिटी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा है, वो इंटरफेयर सही है लेकिन हो तो रहा है, ठीक है। हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन अबॉलिश इन इंडियन सेकुलरिज्म थ्रू द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। ये हिंदू सेकुलर रिलीजन में क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, स्टेट जो है स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, स्ट्रिक्टली रिलीजन से सेपरेट नहीं है रिलीजन जो है, इट इज नॉट टोटली फ्री फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से बिल्कुल फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्टेट से बाउंड उसकी है ही, ठीक है, उसकी बाइंडिंग जो है स्टेट से कहीं ना कहीं है ही, स्ट्रिक्टली दोनों सेपरेट नहीं है, जबकि यूएसए में क्या है, स्ट्रिक्टली दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। रिलीजन इट डज मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस वर्सा रिलीजन, मतलब एक प्रिंसिपल डिस्टेंस है, एक थोड़ा डिस्टेंस है भी और कहीं ना कहीं नहीं भी है। दिस मीन्स दैट द एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियंस बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियाज लेड आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड थिंग हम क्या देखते हैं, इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। इंडियन जो स्टेट है वो किस पे वर्क कर रहे हैं, किस पे वर्क कर रहे हैं कि डोमिनेशन जो है, इट प्रिवेंट द डोमिनेशन, क्योंकि इंडियन स्टेट जो का इंटरफेयर डोमिनेंस से रिलेटेड ही तो है कि कोई भी मेजोरिटी ग्रुप डोमिनेंस ना करे माइनॉरिटी ग्रुप का। कोई इवन देखो, हमने तो अभी एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया है जिसमें एक ही
सेक्शन के लोग जो है वो अपने ही सेक्शन के लोग को डोमिनेट कर रहे हैं, हिंदू जो है, ब्राह्मिन्स जो है वो अपने ही दलित लोगों के साथ एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन द सेकुलर प्रिंसिपल। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, और फंडामेंटल राइट जो है वो रिलीजियंस को क्या करता है, सिक्योर करता है। फंडामेंटल राइट में भी राइट अगेंस्ट राइट रिलीजियन, हमारे पास एक राइट होता है राइट टू रिलीजियन, मतलब रिलीजियन का राइट है, हम किसी भी धर्म में अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, या खुद भी अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हाउ एवर दिस इज नॉट टू से देर इज द नो वायलेशन ऑफ दिस राइट ऑफ द इंडियंस, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में वायलेशन नहीं होता है, रिलीजन का वायलेशन नहीं होता है। वास्तव में हम प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं रिलीजियस का वायलेशन कर ही देते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन पर्सनली जो पीपल्स है उन पे कहाँ तक रोक लगाई जा सके, जब तक पर्सनल अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक अनटचेबिलिटी को हम खुद से रिमूव नहीं करेंगे, हमें लगेगा कि अनटचेबिलिटी कुछ नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए, या दलित है या ब्राह्मण है, दोनों इक्वल है, कहीं उनमें डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिए, गवर्नमेंट में उनके अगेंस्ट में पनिशमेंट का प्रोविज़न भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पर्सनली हमने अगर इसको अडॉप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, तो टोटल जो है वो अनटचेबिलिटी या अदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, कोई भी इविल्स हो। ठीक है, किसी भी इविल्स के अगेंस्ट में अगर लॉ बनाया गया, ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज जो होती है उसके अगेंस्ट में लॉज बनाए गए, लेकिन फिर भी चाइल्ड मैरिज जो है आज प्रैक्टिस में है, आज भी बहुत सारे लोग जो है चाइल्ड मैरिज जो है वो करते हैं। तो जब तक खुद अवेयर नहीं है, ठीक है, तब तक गवर्नमेंट कहाँ तक पीछे भागेगी, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब तक तो वो वहाँ पुलिस को भेज देंगे, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं आई, चोरी छुपे हो जाता है, तब गवर्नमेंट क्या करे। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी इविल को रिमूव करने के लिए पर्सनली हमें पहले उसको अपने दिल से, अपने दिमाग से उसमें डेवलपमेंट करना होगा, अपने दिमाग से उसको हटाना पड़ेगा। जब तक हम खुद का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे नेशन का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। एक पर्सन अगर खुद का डेवलपमेंट कर ले तो वो नेशन का डेवलपमेंट भी कर सकता है। ठीक है, बुराइयां हमें ही छुपी है, हम ही अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, सती सिस्टम को अगर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सती सिस्टम का बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हुआ था, जब बैन हुआ था तो इंडियंस ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था कि उनको करना ही है, ये उनका रिचुअल्स है। ठीक है, पीपल ही इसके लिए अवेयर नहीं थे, वो उस चीज़ को नहीं समझ। तो अनटचेबिलिटी को या डिस्क्रिमिनेशन को जब तक हम खुद से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक वो सोसाइटी में भी उसका जो खत्म होना है या रिमूवमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, हियर तो वो नॉलेज, वो एजुकेशन जो है वो पहले हमें हमारे अंदर इम्प्रूव करनी है, फिर सोसाइटी में इम्प्रूव करनी है, तो धीरे धीरे पूरी कंट्री से वो इविल्स ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इन फरवरी हियर इज़ द ऑल्सो स्टोरी बोर्ड, जस्ट लाइक ए स्टोरी बोर्ड। ठीक है, इन फरवरी 2004 फ्रांस पास द लॉ बैनिंग द स्टूडेंट फ्रॉम बियरिंग एनी कॉन्स्पियस रिलीजन द पॉलिटिकल साइन और सिंबल। फ्रांस में 2004 जो था वहाँ पे एक चीज बैन की गई थी, जो स्टूडेंट आते थे वो अपने रिलीजियस से रिलेटेड या तो साइन पहन के आते थे। ठीक है, मुस्लिम्स जो थे वो फेस को कवर्ड करना या फिर किसी भी तरह का रिलीजियस रिलेटेड जो साइन पहन के आना था, सिंबल जो था उसको बिल्कुल रिमूव किया गया था। ठीक है, या हैंड ये जो स्कार्फ्स हैं, ठीक है, जेविस क्लब्स जो है, या लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस हैं, बड़े बड़े क्रिश्चियन क्रॉस पहन के आना, ठीक है, जेविस फेस को जो हेड है उसको कवर करके आना, इन चीज़ों को इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए रिलीजियस जो साइन है उसको फ्रांस ने बिल्कुल रिमूव किया था। दिस लॉ हैज़ इनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द इमिग्रेंट हु आर मेनली फ्रॉम द फ्रेंच फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, और ये कई लोगों को हर्ट भी किया,
जो लोग उस रिलीजियस से बिलोंग करने वाले थे उसने उसको अपोज किया, वो उनको हर्ट किया कि इमिनेंट जो बाहर से आए थे, ठीक है, कि ऐसा गलत हो रहा है, ठीक है। टूनिसिया एंड मोरक्को इन 1960s फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ द वर्कर। तो जब 1960s में फ्रांस में वर्कर की शॉर्टेज थी, तब जो लोग बाहर से आए थे, जो कम्युनिटी बाहर से आए थे, उन लोगों को ये चीज़ बहुत हर्ट करी कि हमारे रिलीजन के साथ हमें इक्वलिटी यहाँ नहीं दी जा रही है, ठीक है। देयरफॉर दे प्रोवाइड वीजाज फ्रॉम दिस इमिग्रेंट, तब उन लोगों ने उनको वीजा दिए थे, कम फ्रॉम दे वर्क इन द कंट्री, द डॉटर्स ऑफ दिस इमिग्रांट्स ऑफर टू वियर हैंडक्राफ्ट वाइल अटेंडिंग स्कूल। उनकी जो डॉटर थी जो बाहर से आए थे, जो लेबर्स थे जो वहाँ सेटल्ड हो गए फ्रांस में, तो वो फ्रांस के ही इनहेबिटेंट्स हो गए थे, उनकी जो डॉटर्स जो थे स्कूल में थी, खुद को फेस को वो स्कार्फ वगैरह पहन के जाते थे। हाउ एवर विद इन द पासिंग ऑफ न्यू लॉज दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल एंड वियरिंग हैंडक्राफ्ट। उसके बाद जैसे ही लॉज पास हो गया था तो वो दे स्कूल टू वियरिंग हैंडक्राफ्ट, तो वो स्कूल से निकाल भी दिए गए थे स्कार्फ पहनने की वजह से, कि या तो स्कार्फ मत पहनो, ठीक है, या जो स्कार्फ पहन के आएगा, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी, जो क्रिश्चियन जो होते हैं, क्रिश्चियन स्पेशली बड़े बड़े ये अपने रिलीजियस साइन पहन के आते हैं, या जो मुस्लिम्स हैं वो स्कार्फ लगाती है ये जो गर्ल्स होती हैं, तो वो उनके रिलीजियस में। और फ्रांस ने इस पर बिल्कुल बैन कर दिया गया कि स्कूल में ऐसा नहीं होगा, स्कूल में अगर आना है तो ना तो स्कार्फ लगाना होगा, ना आपका क्रिश्चियन साइन जो है वो पहन सकते हैं। और उसके बाद, और वो कौन लोग थे, वो पर्टिकुलर जो फ्रांस के नहीं थे, वो लोग बाहर से आए थे, तो उनको हर्ट भी हुआ कि दूसरे कंट्री से वहाँ सेटल हुए थे कि हमारे साथ जो है यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे रिलीजन से लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे रिलीजन का रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में मुस्लिम गर्ल्स जो है स्कार्फ भी पहन के आ सकती है, कोई भी अपने रिलीजन का साइन यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रांस में इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद उन गर्ल्स को जो स्कार्फ पहन के स्कूल, उनको स्कूल से निकाल, जो ये लॉज जो फुल्ली इम्पोज्ड जब हो गया, उसके बाद उनको स्कूल से निकाल भी दिया गया, ठीक है। वहाँ जो लॉज थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए, लेकिन इंडिया में जो है इस तरह के लॉज जो है, सभी जो रिलीजियन है उनका सेम रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। हिंदूज अगर अपने रिलीजन का कोई भी साइन जो है, अपना ड्रेस अगर पहनता है, हालांकि वैसे तो एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन स्पेशली मुस्लिम्स जो हैं उनके गर्ल्स जब बाहर निकलती है तो स्कार्फ के साथ निकलती है, ठीक है। जो सिख जो स्टूडेंट्स होते हैं उन, वो चाहे चिल्ड्रन होते हैं तभी से वो पगड़ी पहनना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए स्कूल्स में कोई बैन नहीं लगाया गया है कि आप ऐसे नहीं आ सकते, सिर्फ यूनिफॉर्म को ही कंपल्सरी किया जाता है। लेकिन फ्रांस में या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ पे इन चीज़ों को बैन किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको सेकुलरिज्म समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप डाउट क्लास में उसको पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज आप नोटबुक में कर लेना, ठीक है, आपके पास उसका वीडियो आ गया होगा, ठीक है। उसमें अगर कहीं डाउट है यू कैन आस्क, एंड इन दिस चैप्टर इन एनी टॉपिक यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास, ओके। एंड इज एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, ओके। थैंक यू।